करने वाले हैं। देखिए अभी हम लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में जो यहाँ के सीनियर है मधुकर खड़े साहब से मुलाकात की, उनको हम लोगों ने निवेदन दिया, परमिशन उनसे परमिशन मांगी है कि हम टोरेंट कंपनी के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठना चाह रहे हैं हमारी पार्टी के सब लोग, तो उसके लिए हम लोगों ने मुलाकात की। किस चीज़ के मांगों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए हमारी मांगे महावितरण से, एक पहले तो हम चाहते हैं कि टोरेंट यहाँ से चले जाए, और जब तक टोरेंट यहाँ से जाती नहीं है, जब तक जो टोरेंट की धांधली है वो शहर पे ना हो, महावितरण हमको लिख कर दे, जो हमारी मांगे है वो हमको लिख कर दे, तो हम यानी उसके बाद ही हमारी भूख हड़ताल। आंदोलन का डेट वगैरह भूख हड़ताल पर बैठेंगे या आंदोलन ऐसा रहेगा? नहीं, भूख हड़ताल पर बैठ हम लोग बेमुद्दत भूख हड़ताल है हमारी 1 दिसंबर से है, और ये मैक कंपनी के सामने जो फायर ब्रिगेड के सामने जहाँ शाहीनबाग बना हुआ था वहाँ पर हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम आपके देखिए अभी हमारे पार्टी के काफी लोग हैं, पिछली बार हम लोग 17 लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, इंशाल्लाह ताला उसकी लगभग इस बार भी बैठेंगे हम लोग, वो हम लोग यानी अभी फाइनल जब डेट होगी तो हम बताएंगे। लगातार जो है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है वो नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई फर्क असर इस पर पड़ नहीं रहा है, सिर्फ आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं। देखिए सत्ताधारी पार्टी के ताल्लुक से मैं आपको ये बताऊं कि उनको तो आंदोलन और धरना करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद सरकार में है, वो अंदर मांगनी क्यों नहीं करते? अगर जनता ने आज लॉकडाउन का पीरियड है, आज हम लोगों को मुसीबत हो रही है, लोगों को नीचे उतारना, जमा करना, इकट्ठा करना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हमको ख्याल रखना है, उसके लिए तो सत्ताधारी पार्टियों को जब जनता ने चुन के दी, अगर एक नगर सेवक जो चुन के आता वो 14,000-15,000 लोगों की आवाज़ बंद कर जाता है। आपका कहना है 30,000-40,000 पब्लिक जो है रोड पर उतरेगी टोरेंट के खिलाफ? अरे क्यों रोड पे उतरेगी, मुझे बताए कि उनके बिहाफ पे आपके MLA वहाँ पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे विधानसभा में? उनके बिहाफ पे जब उनकी आवाज बना करके आपको दिया गया है, तो आप वहाँ पर अंदर आवाज उठाकर क्यों नहीं इसको कैंसिल करने की मांग नहीं कर रहे? क्यों इंतजार कर रहे कि लॉकडाउन पीरियड में और टोरेंट मजबूत हो जाए, उसके बाद कितने भी लोग रोड पे उतरे तो उसको नहीं हटाया जाए, ये इंतजार किया जा रहा है क्या? अगर आज चलो ठीक है लोग नहीं उतर पा रहे लॉकडाउन के इस चलते, तो आपको तो जनता ने चुन के दी है ना, आप तो ऑलरेडी यहाँ पर 1,64,000 मुमरा के, 1,64,000 कलवा के, इनके यानी 3,80,000 लोगों की आप आवाज हो, तो क्यों नहीं आप वहाँ विधानसभा में आपके लोग उतारे? क्यों नहीं यहाँ के नगर सेवक लोग महासभा में उतारे, उसके मिनट्स को यूज करके विधानसभा में आवाज लगाई जा रही है? क्यों ऐसा गोल गोल घुमाया जा रहा है कि जनता ही उतरेगी तो जनता ही उतरेगी? तो जनता ने आपको चुन के क्यों दिया? आप लोग रिजाइन करो, अगर आपको जनता से ही काम करवा के लेना है तो उनके बिहाफ पे क्यों जाकर बैठे हो? क्यों ये बोलते हो कि हम आपको आपके लिए इंसाफ मांगेंगे, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे? क्यों ये बोलते हो? आप रिजाइन करो, फिर जनता ही सब काम करवा के ले लेगी। एक तरफ जो है NCP के सैयद अली भाई साहब टोरेंट के खिलाफ जो है वो पब्लिक को रोड पर उतारने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ NCP के जो नगर सेवक है वो टोरेंट का कैंप लगवा रहे हैं। देखिए ये यही हो रहा है कि यानी मैं कुछ अलग बोलूंगा, तू कुछ अलग बोल, बस लोगों को वलगलाया जाएगा। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर इनका ही एक नगर सेवक बोलता है कि टोरेंट को बिल मत भरो, हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम जनता के लिए कोई बोला तो सही इनके बीच में से, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि कलवा और दीवा आज बिल नहीं भर रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि मुमरा वाले भी ना भरे, जैसा कलवा और दीवा से निकाला जहाँ से हटाने की बात चालू है मुमरा से भी हटा दिया जाएगा, और एक नगर सेवक उनका वहीं कैंप लगा करके लोगों से बिल भरवा रहा है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाह क्या रहे, ये सिर्फ खेलना चाह रहे आवाम को, जिस तरीके से पिछले 10-12 सालों से बेवकूफ़ बनाते हैं उसी तरीके से बना रहे हैं, जनरली ये भी चाहते हैं कि लोग इसके खिलाफ आए। आपने जो पैदल मार्च किया था टोरेंट के खिलाफ, उसके लिए आगे इसके लिए कोई बातचीत की आपकी आगे? देखिए हमने पैदल मार्च किया था, ये मेरी जो भूख हड़ताल थी वो 5 नवम्बर को ही हो जानी थी, लेकिन आप लोगों को पता है कि मुझे एक तड़ी पारी का नोटिस निकाल दिया गया कि मैं शहर के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, उसके बाद मुझ पर प्रेशर बनाया गया कि मैं यहाँ के मंत्री साहब के पैर पड़ लूँ, ये पढ़ लूँ, तो ये सब चलते थोड़ा हमारी पोस्टपोन हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला 1 दिसंबर से हम लोग कन्फर्म बैठेंगे। अगर वो इस तरीके से हमको जवाब नहीं देते, पत्र व्यवहार से जवाब नहीं देते, तो ठीक है हमारा मौलिक अधिकार है, उसका अंतर्गत हम लोग यानी भूख हड़ताल करके उनसे जवाब मांगेंगे। अच्छा, आप लोग बार बार NCP को ही कहते हैं कि ये लोग दिखावा करते हैं, कहीं ना कहीं शहर में लोग आपको भी आरोप लगाते हैं, आपके ऊपर भी, कि आप लोग भूख हड़ताल किए, पैदल मार्च किए और सिर्फ आश्वासन लेकर चुप बैठ जाते हैं, बार बार ये करना कहाँ तक सही है? देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जो भूख हड़ताल करी थी 22, 23, 24, 21, 22, 23 जनवरी को करी थी 2019 में, और 26 जनवरी को टोरेंट उसी वक्त आ रही थी 19 में, तो कहीं ना कहीं हमारी भूख हड़ताल से टोरेंट 1.5 साल रुकी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू होने वाला था 1 मार्च को रातों रात, 31 मार्च को रातों रात इन लोगों ने टोरेंट को चुपके से शहर में लाया 2020 में, कहीं ना कहीं हमारी यानी भूख हड़ताल से रुकी ना 1.5 साल,
तो हम तो अपोजिशन में है। अगर आप सुनिए, अगर हमारे नगर सेवक चुन के आए इंशाल्लाह ताला और हमारा एमएलए चुन के आए, तो हम यानी यहाँ जनता में आकर धरना आंदोलन ये भूख हड़ताल ये सब इंशाल्लाह ताला नहीं करेंगे। ये एक्सीडेंट हम अंदर आवाज उठाएंगे, जिसके लिए हम चुन के जाएंगे, हम अंदर आवाज उठा के ये सब चीजों को वहां रद्द करेंगे। हम दिखावा करके सिर्फ वहां से भी पैसा लेंगे और यहाँ पब्लिक को भी दिखाने का काम नहीं करेंगे। हम जेन्युइनली अंदर आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज रद्द करेंगे, जिसके लिए जनता हमको चुन के देगी, हम अंदर बोलेंगे। आपके पैदल मार्च के बाद सोरेन ने कोई प्रेस रिलीज जारी की, क्या था हमारा? देखिए, अभी आपको ही पता होगा कि कौन दिखावा करता है और कौन सही करता है। अभी तक जितने भी यहाँ पर धरने किए गए, किसी के बाद सोरेन ने प्रेस रिलीज किया क्या? हमारे मुद्दे पे क्यों प्रेस रिलीज किया? क्योंकि हमने उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट किया था। हमने उनसे कहा था कि जो एज पर मंथ बिल स्लैब जो आप मार रहे हो, वो आप ज़्यादा मार रहे हो, वो कम करिए। आप पीडी के पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि एमएससी डीएसएल का एक जीआर है जिसमें 6 महीने से ज़्यादा अगर पैसा नहीं पेड किया गया तो उसके बाद एमएससी डीएसएल खुद नहीं वसूल कर सकती। तो आप हो कौन उनके बिहाफ पे वसूल करने? ऐसे बहुत से मुद्दे 14 पॉइंट हमने रेज किए थे जो जेन्युइन थे, तो वो कहीं ना कहीं घबरा गए, इसके लिए उन्होंने हमारे अगेंस्ट प्रेस रिलीज किया। अभी तक किसी के अगेंस्ट क्यों नहीं हुई प्रेस रिलीज? देखिए, मैं आपके माध्यम से आवाम से ही अपील करना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर से एमआईएम की पूरी पार्टी आप लोगों के लिए, आपके बिहाफ पे पहले भी भूख हड़ताल कर चुकी है टोरेंट के खिलाफ, अभी भी हम टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ रहे। आप लोगों को जो भी परेशानी हो रही है, हमें डॉक्यूमेंट दीजिए, आपको जो लाइव बिल दीजिए आपका, और लाइव बिल के साथ अभी हमने सुना है कि इन लोगों ने दादागिरी शुरू करी, एक नोटिस भेज रहे कि आपको बिल भरना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इनकी धांधली शुरू होने जा रही है, उसको अभी ही रोकना होगा। तो आप लोग वो हमारे को जेरोक्स दीजिए, आपका फेब्रुअरी से पहले जो बिल होगा एमएससीबी का, वो बिल साथ में अटैच करके दीजिए। इंशाल्लाह आपके बिहाफ पे हम लड़ेंगे, हम इसको इंशाल्लाह ताला, अगर ये कलवा और दीवा से आज हट रही है तो मुमरा से भी हटेगी और हम हटा के रहेंगे इंशाल्लाह। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।